ट्रैवलिंग हर किसी को पसंद है, और अगर वो ट्रैवलिंग बजट ट्रैवलिंग हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो दिल्ली में ट्रैवल करते टाइम आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो फटाफट से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए, और हाँ शेयर करना तो भूलिएगा मत। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च बार में जाके आपको टाइप करना है दिल्ली टूरिज्म और सर्च कर देना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो आपके सामने फ्रंट में ही खुल जाएगा, दिल्ली टूरिज्म ऑफिशियल ऐप, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 24.02 MB का ऐप है, ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपको सबसे पहले ये इंटरफेस दिखेगा, माई टॉम, और उसके अलावा इसमें उसके बाद इसमें जो ऑप्शन आएगा साइन इन विद गूगल और साइन इन विद फेसबुक या फिर स्किप फॉर नाउ। अभी मैं साइन इन इसको नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। बाकी आप अपनी मेल आईडी या फेसबुक आईडी से इसमें लॉगिन करके एक आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंटरफेस आएगा खोलने के बाद, लर्न अबाउट दिल्ली एंड इट्स टॉप डेस्टिनेशन, अगर आपको दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस पर टैप करके और जान सकते हैं। फिर नीचे है नो ऑल अबाउट द हिडन जेम्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में कौन कौन से ऐसे हिडन प्लेसेस है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा एंट्री टिकट्स और जो एक्सक्लूसिव हेरिटेज वॉक्स चल रहा होगा, मतलब उस टाइम अगर कोई शो वगैरह चल रहा होगा तो आप तीसरे ऑप्शन में देख सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, शॉपिंग डेस्टिनेशन, मार्केट्स, तो सभी टाइप की जानकारी सिंगल ऐप में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं और कौन सी जगह किस फूड आइटम के लिए फेमस है वो भी आपको इस ऐप में दिख जाएगी। तो फिलहाल मैं सिक्स वे दैट दिल्ली टूरिज्म ऐप विल हेल्प यू, छः तरीके हैं जिससे आपका दिल्ली टूरिज्म हेल्प करता है, और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे हमने नीचे सिक्स वे टू डिस्कवर दिल्ली जो नीचे का ऑप्शन था उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे और भी चीज़ें आ गई, जैसे कि आप कहीं पे हैं भटक चुके हैं और आपको पता नहीं कि यहाँ आसपास कौन से प्लेसेस हैं, तो ये जो प्लेसेस नियर मी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। उसके अलावा कौन से टॉप 10 लिस्ट में है वो डाल सकते, जैसे मैंने टॉप 10 वाली लिस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या शो होता है। टॉप 10 में आपका फूड एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, पार्क और गार्डन, शॉपिंग डेस्टिनेशन, स्पिरिचुअल अबॉट्स, इस तरीके के चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे मैं अभी फ़िलहाल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे कौन कौन से हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट आ गई, जैसे कि आज़ाद हिंद ग्राम है, रूह तेग बहादुर स्मारक है, इन सभी के बारे में आप टोटल पूरी हिस्ट्री, कब बना, इन्वेंट कब हुआ, किसने किया, उद्घाटन किसने किया, मतलब सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड इन सभी मोनूमेंट्स के बारे में जो इस लिस्ट में हैं फिलहाल दिखाई दे रहे हैं आपको, उन सभी के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये ऐप थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, धीरे धीरे शायद इसके अच्छे अपडेट आएँ तो ये और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। उसके अलावा हाँ एक और ख़ास बात है, इसमें बुक अ गाइड का ऑप्शन भी आता है, तो इसमें आप जो अच्छे गाइड्स हैं उनको भी आप इस ऐप के थ्रू इजीली बुक कर सकते हैं और वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। हेरिटेज वॉक्स भी है यहाँ पे, हेरिटेज वॉक्स के ऑप्शन में यहाँ पे आपको वो जगह दिख जाएंगे जहाँ पे आपको भी फ़िलहाल में जा सकते हैं, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिलहाल बैक जाता हूँ मैं, बुक अ गाइड के ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या है इसमें। गाइड में ऑप्शन आ रहा है जैसे कि आपको हिंदी में चाहिए, आप मतलब जिस लैंग्वेज का गाइड चाहिए, अगर आप रसिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप पोर्टुगीज से हैं, तमिल हैं, बंगाली हैं, मतलब अलग अलग किसी भी लैंग्वेज, हिंदी भी है, मैं समझना चाहता हूँ, जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ और मैं बुक योर गाइड पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या ऑप्शन आता है आगे।
फिलहाल यहाँ पे हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाइड्स के नाम है, जिसमें सबसे पहले लिस्ट में आप देख सकते हैं नाम, लिस्ट में आप इधर नाम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिस गाइड से, मेल और फीमेल गाइड, उसके बारे में उसकी क्वालिफिकेशन, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं आशा जैन यहाँ पे सबसे पहला नाम है मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसके बाद हम इसको बुक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, ये एक अच्छी कोशिश है और जो कि दिल्ली में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छा, और ये जो दिल्ली में टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, इस ऐप को देख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसका एक फ्रंट इंटरफेस है जिसमें दिल्ली फॉर किड्स, किड्स के लिए कौन कौन सी जगह पे, तो मतलब हर तरीके का स्टफ दिल्ली में किस किस तरीके से कौन कौन सी जगह पे खाने पीने हर चीज़ आपको इस इकलौते ऐप में दिख जाएगी। तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट अ हेल्पफुल वीडियो फॉर आवर व्यूअर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करके और सारी चीज़ें जान सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। इस तरीके की और ऐप्स या हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इसे फटाफट शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।